नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल RJSV में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप पे बोलकर कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में बोलकर लिख लेते हैं, उसी तरह से आप अपने लैपटॉप पर भी बोलकर लिख सकते हैं। तो ये काम कैसे होता है, चलिए आप लोगों को बताता हूँ। बोलकर लिखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद इसे लॉगिन कर लेना है। तो आप यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे करके लॉगिन कर लीजिएगा। अपनी जीमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल ऐप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और DOC फाइल दिखेगी, इसे खोल लेना है। इस तरह से आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल खुल जाएगी। इस ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ तो आप नॉर्मली लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को बोल कर लिखना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप लोगों को इस टूल्स के ऑप्शन पे जाना है, वॉइस टाइपिंग। अब वॉइस टाइपिंग को आप यहाँ पे क्लिक करके भी खोल सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाकर भी खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, साइड में एक वॉइस रिकॉग्नाइजर खुल के आ गया। यहाँ कह रहा है क्लिक टू स्पीक, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बोलिए, आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ पे लिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश US सिलेक्ट है। तो आप लोगों को जिस भाषा में बोलना है या जिस भाषा में लिखना है उस भाषा को यहाँ पर चुनिए। जैसे मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं नीचे बढ़ा के हिंदी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं जो भी बोलूँगा वो हिंदी में सामने के स्क्रीन पे लिखता हुआ मुझे दिखेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये एकदम करेक्ट लिखता है, आप जो बोलेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है, सुनता है और उसे हिंदी में लिख देता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सिर्फ हिंदी में ही नहीं या इंग्लिश में ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं दी गई हैं, बहुत से राज्यों की, बहुत से देशों की, जिनमें आप बोल कर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें एक और ट्रिक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपने अपने लैपटॉप पर या PC पर जो बोल कर लिखा है वो आपको सीधा आपके मोबाइल में मिल जाए, तो इसके लिए एक जुगाड़ है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा कि सिंक ऑन, तो उसे सिंक ऑन कर देना है। मैं पहले ही ऑन कर चुका हूँ इसीलिए मेरे में नहीं दिखा रहा है। इतना काम लैपटॉप में करना है, इसके आगे का काम आपको मोबाइल में करना है, वो आपको मैं मोबाइल में बताता हूँ। पहले आप लोगों को क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ पे एक ऐप को सर्च करना है जिसका नाम है गूगल डॉक्स। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये एक ऐप खुल के आ जाएगी। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ इसीलिए इसे सीधे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को अपनी उसी ID से लॉग इन करना है जिस ID से आपने अपने गूगल अकाउंट को लॉग इन किया था, अपने लैपटॉप में या PC में सेम उसी ID से यहाँ पर भी लॉगिन कर लेना है। मैं पहले से ही लॉगिन कर चुका हूँ। मैंने अपने लैपटॉप में जो भी बोल कर या टाइप करके जो भी लिखा था वो सब मेरे मोबाइल में आ चुका है, सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब जैसे कि आप लोगों को दिखाऊं कि जो डॉक्यूमेंट या जो भी मैंने बोल के लिखा था वो सीधा हमारे मोबाइल में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब इसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है मोबाइल से लैपटॉप या लैपटॉप से मोबाइल में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने का। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आप अपने मोबाइल से जो भी लिखेंगे वो आपको सीधा उसी अकाउंट पे जहाँ पे आपने लैपटॉप में लिखा था वहीं पर दिखाई देगा, वहीं पर सब मिल जाएगा, या अपने लैपटॉप में जो लिखेंगे वो आपको मोबाइल मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू दोस्तों।